जी आप यहाँ पे ये तो बड़ा सौभाग्य का योग है कि ऐसे भव्य प्रसंग पर वहां प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवसर मिला है, क्योंकि श्री राम का मंदिर ये केवल एक मंदिर पूजा की दृष्टि से, अपने आराध्य श्री राम की दृष्टि से केवल ऐसा प्रसंग नहीं है। तो इस देश में, इस देश की जो मर्यादा है और इस देश की जो पवित्रता है, उसकी स्थापना पक्की होने का ये प्रसंग है। संपूर्ण देश में और श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता में जो स्व है वो हमारी मर्यादा है। उस स्व के कारण हमारा जीवन पवित्र है, उस स्व के कारण हमारी दुनिया भर में प्रतिष्ठा है। उसका एक प्रगटीकरण संपूर्ण विश्व में एक प्रकार से ये घोषणा कि भारत अपने स्व पर खड़ा हुआ है और अपने मर्यादित मर्यादा संपन्न जीवन से पूरे विश्व में मांगल्य और शांति की प्रस्थापना करने के लिए अब आगे बढ़ेगा। तो सारे देश में भी हम देखते हैं कि इस प्रसंग, सब लोग तो आ नहीं पाएंगे, कुछ को निमंत्रण मिला है वो आएंगे, परंतु गांव-गांव में, घर-घर में इसका उत्साह है। इसका कारण यही है कि एक तो इतने वर्षों के बाद भारत के स्व का प्रतीक, उसका पुनर्निर्माण हमने किया, वो हमारे पुरुषार्थ के आधार पर किया। दूसरी बात है कि इससे जो एक दिशा अपनी होनी चाहिए और उसको पकड़ने का प्रयास भी अनेक दशकों से हम लोग कर रहे थे, वो हमको मिल गई है और वो स्थापित हो गई है। एक विश्वास सबके मन में स्थापित हुआ है, उसके कारण संपूर्ण देश का वातावरण मंगलमय बना है। और ऐसे में हम प्रत्यक्ष वहां पर उपस्थित रहेंगे, उस प्रसंग को देखेंगे, उसमें सहयोगी बनेंगे, ये तो हमको लगता है कि कहीं किसी जन्म में कोई पुण्य हुआ होगा, उसी का फल हमको मिल रहा है। इसलिए आपका मैं बहुत कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करता हूँ। ये तो मांग के भी न मिलने वाला अवसर है, वो मिला है, तो जरूर उसमें रहूंगा।